अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अहमद इजाज, MBBS, MCBS, MSc, डायबिटीज एंड एंडोक्रोलॉजी। डायबिटीज के हवाले से और रमजान के रोजे के हवाले से जो हमने सीरीज शुरू की है, आज हम उसके दूसरे हिस्से पे काम कर रहे हैं। दूसरे हिस्से में ये है कि हमने बताना है कि जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, उन्होंने इन रमजान के रोजों से कैसे फायदा उठाना है, अपनी शुगर को कंट्रोल कैसे रखना है, हत्ता कि अपनी शुगर से छुटकारा कैसे हासिल करना है। ऐसे तमाम लोग जिनकी खाली पेट शुगर 100 से 126 तक होती है, या खाने के 2 घंटे बाद 140 से लेके 199 तक हो, या उनके 3 महीने का शुगर का टेस्ट जिसे HbA1c कहते हैं वो अगर 5.7 से लेके 6.5 तक है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब ये पेशेंट कैसे अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये इनके पास अल्लाह ताला ने चांस दिया होता है कि ये अपनी शुगर को बगैर किसी मेडिसिन के सिर्फ और सिर्फ अपने रूटीन के जो मामूलात हैं उनको बेहतर करने से ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो रमजान उनके लिए एक और उससे बड़ी ब्लेसिंग है, एक गोल्डन चांस है उनके लिए। तो उसमें ये प्री डायबिटीज को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके ना सिर्फ अपनी शुगर को कम कर सकते हैं बल्कि इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। इसमें करना उन्होंने कुछ खास नहीं है, सिर्फ यही है कि वो रमजान के रोजों में एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारे खाने के टाइम फिक्स होते हैं, सहरी और अफ्तारी होती है, और दरमियान में हम कुछ भी नहीं खा रहे होते, तो टाइम फिक्स होने की वजह से पहले ही हमारा जिस्म एक अच्छे टाइम फ्रेम में आ जाता है, जिससे वो सारे मामला जो हमारे बेतरतीब खाने की वजह से हमारे जिस्म पे असरअंदाज हो रहे हो ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे जो प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो पहले ही रोजे रखने की वजह से नॉर्मल लेवल में आ जाते हैं। तो सहरी में भी आप कोशिश करें कि अपनी सहरी को अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले बंद कर दें। ये नहीं है कि एंड तक आप अपने पेट को ठूंसते रहें, उसमें लिक्विड है, दूसरी तरह के जो हम यूज़ करते हैं जी, कहवा पी लें, चाय पी लें, लस्सी पी लें, उससे भूख नहीं लगेगी। तो कोशिश करेंगे इत्तदाल के साथ सारे काम करें ताकि जो भी हम खाएं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बने। सबसे पहले अफ्तारी में कोशिश करें कि बहुत लिमिटेड अफ्तारी करें, एक आधा गिलास लिक्विड का कोई भी दूध है या कोई और जूस है वो ले सकते हैं, साथ थोड़ा सा फ्रूट ले लें, और जो चिकनाई वाली चीज़ें उनसे ज़रा परहेज करें। उसके बाद नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए वॉक लाजमी करें, और उसके बाद खाना लें। कोशिश करें, क्योंकि रमज़ान हमारा रोज़े जो है वो 12 से 14 घंटे का होता है, तो उसमें हमारा मैदा काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, शुगर लेवल भी काफ़ी कम होता है, तो अगर यकदम आप सारी चीज़ें एक ही दम अपने पेट में डाल लेंगे तो वो मैदा भी काम नहीं कर पाएगा, जिससे वो जो हमारा बॉडी है वो और ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो जाएंगी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकेगी, जिससे हमारी लग रही बोझ पड़ेगा, और जो प्री डायबिटीज़ है वो और ज़्यादा ख़राब होकर डायबिटिक वाली कैटेगरी में जा सकती है। तो ये छोटे छोटे तरीके मैंने बताए हैं, इससे हम अपनी प्री डायबिटीज़ को बड़ी जल्दी कंट्रोल करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बल्कि इससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। और अगर यही टीकाकर हम अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो हम इंशाल्लाह ये प्री डायबिटीज क्या डायबिटीज से भी हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में वो शेयर करें, वी विल आंसर दैट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।